नमस्कार, मैं हूं हिम्मत सिंह राठौड़। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी YouTube चैनल हिम्मत सिंह राठौड़ में। आपको जो इसमें जानना है, जो ये नई रेलवे की भर्ती आई है RRB ने CN01-2019 में, इसमें जो बेसिक जो क्वेश्चन मुझसे पूछे गए थे कि इसमें कहां से फॉर्म लगाना है, किस जोन से लगाना है, किस पोस्ट के लिए लगाना है, फॉर्म की फ़ीस कितनी है, जो पोस्ट है उनका कार्य क्या है, और कि इस में मेडिकल का क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, तो एक एक करके अपन जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले ये फॉरम भारत के अंदर 17 जोन में RRB करवाएगी। 17 जोन है, उनके अंदर RRB ये एग्ज़ाम करवाएगी, जैसे RRB NWR जयपुर के अंदर, जो अजमेर RRB करवाता है, WR मुंबई के अंदर, जो RRB अहमदाबाद भी करवाता है, RRB मुंबई भी करवाता है। ऐसे 17 जोन हैं, उन 17 जोन के बारे में आपको पता होना चाहिए जो इस मैप में दिखा रखा है। जैसे NR नॉर्थ रेलवे हेडक्वार्टर उसका दिल्ली है, NWR जयपुर है, मुंबई सेंट्रल रेलवे का मुंबई हेडक्वार्टर है, और वेस्टर्न रेलवे का भी हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट में है वैसे। और ये हैं 17 जोन जिनके बारे में आपको बेसिक सारी डिटेल इस डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। पूरा पूरा ये डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, पर बेसिक मैं आपको सारे बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि सावधानियाँ क्या रखनी है। दूसरा कि फॉरम की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं। 31 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म में जल्दबाजी नहीं करें, ध्यान ये रखना है। अभी हाथों हाथ आप जैसे फॉर्म आए और भर दें, ऐसा नहीं। पहले ये देखें कहाँ से फॉर्म कितने लग रहे हैं, उस हिसाब से लगभग 10-12 दिन का वेट करें, 15 मार्च के लगभग फॉर्म भरें। ठीक है, दूसरी जो इसका पेपर होगा वो होगा लगभग जून से सितंबर के बीच में कंटिन्यू चलेंगे पेपर। तो जो पहले फॉर्म लगेंगे उनका मोस्टली जो पेपर होता है वो पहले होता है, तो जो पहले पेपर देने जाते हैं और जो बाद में पेपर देने जाते हैं उनमें फ़र्क होता है। जैसे कि जैसे जैसे टफ लेवल बढ़ता जाता है, लेवल ऑफ टफनेस पेपर का बढ़ता जाता है। दूसरा कि पहले जो पेपर दे के आते हैं उससे अपन को आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, वैसे और पोस्ट कितनी है, लगभग जो कल तक 10,628 थी, आज बढ़ चुकी है वैसे 14,000 के लगभग हो चुकी है। जो ट्वेल्थ पास हैं, जो ट्वेल्थ स्टेज की जो पोस्ट है, वो 10,628 जो बढ़ के 14,000 से समथिंग हो चुकी। ग्रेजुएशन वाली पोस्ट ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल क्लर्क, ये जो पोस्ट है वो ग्रेजुएशन वाली हैं, ये लगभग 24,000 थी, अब ये 6,000 और बढ़ गई, 30,000 के लगभग ये पोस्टें भी हो चुकी है। 30,000 से ज़्यादा पोस्ट हैं और टोटल मिला के 30,000 और 44,000 पोस्ट हो चुकी है ये सी कैटेगरी में। ठीक है, इनका एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इसमें जो ये पोस्ट होगी इनमें बॉन्ड भरवाया जाता है। मेडिकल थोड़ा टफ होता है, जो मेडिकली फिट नहीं है, जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, वो उन पोस्ट के लिए ही फॉर्म भरें जिनमें मेडिकल स्टैंडर्ड उस लेवल का वो क्लियर कर पाए। ठीक है, ये मेडिकल की पूरी डिटेल भी। मेडिकल के कई कैटेगरी होती है, A2 जिसके अंदर 6x9 होना चाहिए, A3 B2 C2 अलग अलग टाइप की कैटेगरी है। इसके हिसाब से जैसे C2 है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, विद और विदाउट ग्लास 6x12। ठीक है, किस पोस्ट के लिए कितनी एज का रहेगा वो भी पूरा दे रखा है, आप अपने एज के अकॉर्डिंग वो फॉर्म भरें, एज के अकॉर्डिंग आप रेफरेंस दें। अगला क्वेश्चन ये था कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो जनरल जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये और SC ST के लिए 250 रुपये हैं, 250 रुपये। ठीक है, फर्स्ट CBT क्लियर होता है, जैसे आप पहला स्टेज क्लियर करते हैं तो जो 500 रुपये भरने वाले थे उनके 100 रुपये कट के 400 रुपये रिटर्न हो जाएंगे और SC ST के 250 रुपये वापस रिटर्न हो जाएंगे। अब ध्यान फॉर्म भरने में ये रखना है कि फॉर्म भरोगे तो जिस साइबर कैफे से भरोगे या खुद के अकाउंट से भरोगे, तो साइबर कैफे से अगर भरोगे तो 500 रुपये उसने अगर उसके अकाउंट से कटवाए तो वो रिटर्न उसी के अकाउंट में वापस जाएंगे। इसलिए होती कोशिश आप ये फॉर्म अपने अकाउंट से ही भरें, ताकि या उसको अपना अकाउंट नंबर दें जिससे वो पैसे कटवाएं। उससे क्या होगा कि जो रिटर्न पैसा आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने योग्य बात थी।